हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल कुशिका एजुकेशन माय नेम इज निधि और आज का जो सेशन है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम वर्ब पढ़ेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है एक क्लास हो चुकी है जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन सिर्फ किया था अपनी क्लास के लिए जिसमें हमने पढ़ा था सेंटेंस क्या होता है उसके टाइप्स क्या होते हैं और कुछ कन्फ्यूजिंग पेयर्स ऑफ वर्ब्स जो आपके एग्जाम में आती रहती हैं ठीक है ठेके? तो कल हमने देखा था कि जो सेंटेंस है उसका फॉर्मेशन क्या होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट ठीक है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपका कवर हो जाएगा बेसिकली सबसे पहले हम कवर करेंगे वर्ब ठीक है कि जो आपकी वर्ब है वो क्या होती है कितने टाइप्स की होती है ये सारी चीज़ें कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हो वर्ब जो है उसके टाइप्स को पहले कवर करते हैं ठीक है जो वर्ब है वो दो टाइप्स की होती है एक होती है फाइनाइट एक होती है नॉन फाइनाइट ठीक है फाइनाइट फिर से आपकी दो टाइप्स की होती है एक होती है मेन वर्ब और एक होती है आपकी ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है ना वर्ब के दो टाइप्स होते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट ये सब क्या होते हैं ये डीपली हम डिस्कस करेंगे सिर्फ आप पहले टाइप्स देख लो एक बार पूरा फ्लो चार्ट देख लेते हैं फिर सबके एग्जाम्पल्स के साथ सारी चीजों को समझते चलेंगे ठीक है तो फाइनाइट आपकी दो टाइप्स की होती है आगे मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना एजेमारी ये सारी आ जाती है वो हम डिस्कस बाद में करेंगे ठीक है और नॉन फाइट नॉन फाइनाइट के जो टाइप्स है वो है इन्फिनेटिव जिरेट और पार्टिसिपल ठीक है ये इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत कंफ्यूजिंग ये चीज़ें रहती हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है ठीक है तो उसको हम सीखेंगे सबसे पहले हमें फर्स्ट पोर्शन कवर करना है फर्स्ट पोर्शन में मतलब जो हमारा फाइनाइट वाला पोर्शन है दो दिन के अंदर हम फाइनाइट का पोर्शन खत्म करेंगे उसके बाद एक लेक्चर में हम नॉन फाइनाइट का पोर्शन खत्म करेंगे ठीक है मतलब तीन दिन में जो आपका ये वर्ब वाला चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा तो चलिए देखिए अब आपके पास आपने क्या देखा कि जो वर्ब है उसको दो टाइप्स दो पार्ट्स में हमने बांटा है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट उसके बाद जो फाइनाइट है उसको फिर से दो पार्ट्स में बांटा है मेन वर्ब और ऑक्सिलरी और नॉन फाइनाइट को तीन पार्ट्स में बांटा है इन्फेनेटिव जिरेड और पार्टिसिपल ठीक है अब जो मेन वर्ब है मेन वर्ब भी क्या होती है दो तरह की होती है फिर से ठीक है मेन वर्ब में आपके दो टाइप्स आ जाते हैं ट्रांजेटिव और नॉन ट्रांजेटिव इसीलिए इसमें इतनी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि आपके बहुत सारे टाइप्स हैं ठीक है फर्दर बहुत सारे जितने टाइप्स स्टेप्स में बट रहे हैं इस चार्ट को आप दो तीन बार एक बार देख लेना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है देखो मेन वर्ब्स है फिर से दो तरह की होती है ट्रांजेटिव और इन ट्रांजेटिव उसके बाद है ऑक्जलरी ऑगजलरी फिर से दो तरह के होते हैं एक होता है प्राइमरी मॉडल सॉरी uh, प्राइमरी और एक होता है मोडल ठीक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और एक होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ठीक है तो आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से आपकी जो वर्ब्स है उनको डिवाइड किया गया है तो ये तो आपका फ्लो चार्ट था ओवरव्यू था कितने टाइप्स का वर्ब होता है ठीक है समझ में आ गया वर्ब दो तरह का होता है फाइनाइट नॉन फाइनाइट उसके बाद फाइनाइट दो तरह का होता है मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी ठीक है और नॉन फाइनाइट तीन तरह का होता है इन्फिनेटेट एंड पार्टिसिपल मेन वर्ब फिर से दो टाइप्स का होता है ट्रांजेटिव नॉन ट्रांजेटिव और ऑक्सिलरी होता है दो तरह का प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्लियर अब चलिए अब इनको अच्छे से समझते हुए चलेंगे फाइनाइट क्या होता है देखो फाइनाइट क्या होता है चेंजेस इट्स फॉर्म्स व्हेन टेंस इज चेंज ठीक है मतलब जब टेंस बदलता है तो ये भी बदल जाता है ठीक है वो फाइनाइट होते हैं इसमें क्या होता है जो सब्जेक्ट की संख्या है ना सब्जेक्ट की संख्या एक पर्सन के अनुसार क्या हो जाती है आपका जो वर्ब है ना उसको लिमिट कर देती है समझो ध्यान से समझो एग्जाम्पल से समझो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेती हूँ जैसे ही इज प्लेइंग ठीक है ही इज प्लेइंग उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ दे आर प्लेइंग ठीक है दे आर प्लेइंग तो यहाँ पे देखो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वर्ब क्या है इज है यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो लिमिटेड हो गई ठीक है ना वो क्या हो गया ही सिंगुलर था तो वर्ब सिंगुलर यूज हुई ठीक है ना तो ही के साथ आया लेकिन दे के साथ आर आया क्योंकि दे प्लूरल था तो वर्ब आपकी क्या होगी प्लूरल होगी तो सीमित कर दिया है वर्ब को ठीक है कि वो किस पे डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी तो सब्जेक्ट की जो संख्या है या फिर जो पर्सन है उसके अनुसार आपकी जो वर्ब है वो लिमिटेड हो जाती है फाइनाइट में ठीक है ये अपनी जो फॉर्म है वो चेंज कर देती है जब टेंस चेंज होता है इस की जगह वाज आ जाएगा ठीक है इस तरीके से आर की जगह पे वर आ जाएगा क्लियर अब देखो आगे फाइनाइट समझ में आ गया क्या होता है अब फाइनाइट के मैंने आपको फर्दर टाइप्स बताई थी ठीक है सबसे पहले था ट्रांजिटिव मतलब मेन वर्ब थी ना जो थी ट्रांजेटिव और नॉन ट्रांजेटिव किस में थी मेन वर्ब्स में थी ठीक है क्योंकि finite दो होते 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 हैं? 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 कौन से-कौन से? और और तो में क्या क्या ये देखो. सबसे पहले transitive. Transitive क्या होते इनको वर्ब के बाद सब्जेक्ट चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेती हूँ आई राइट एस से आई राइट एस से क्लियर तो यहाँ पे आई तो क्या है सब्जेक्ट है इसको तो छोड़ देते हैं राइट क्या है आपका वर्ब है और ऐसे क्या है ऑब्जेक्ट है अगर आप खाली लिखते हो आई राइट तो क्या सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग आपका देता है? नहीं देता आई राइट क्या क्या लिखते हो आप लोग तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी आई राइट एस से मैं ऐसे लिखता हूं ठीक है तो आपको क्या का जवाब यहाँ पे मिल रहा है तो ऐसे वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं ट्रांसलेटिव वर्ब्स मतलब वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो कर्म है उसकी आवश्यकता पड़ती है लिख भी सकते हो आप जो वर्ब है वर्ब के बाद आपको जो कर्म है ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है क्लियर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका इन ट्रांजेटिव ट्रांजेटिव क्या हो गया जिसमें ऑब्जेक्ट चाहिए ठीक है वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट तो चाहिए अगला है नॉन ट्रांजेटिव या इन ट्रांजेटिव आप बोल सकते हो इसको आप चेंज कर लीजिए यहाँ पे नॉन ट्रांजेटिव ही हम इसको कर लेते हैं ठीक है मैं चेंज कर देती हूँ तो देखिए नॉन ट्रांसिटिव क्या हो गया जो उसका जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती नीड डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मैं आपको काफी बार पहले भी दे चुकी हूं एक सबसे छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे है बर्ड्स फ्लाई जो पंछी है वो उड़ते हैं बर्ड्स फ्लाई तो ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है सब्जेक्ट है वर्ब है इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है ठीक है तो ये ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है राइट को ऐसी जरूरत थी क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं लेकिन फ्लाई है फ्लाई अपने आप में कंप्लीट है उड़ना बर्ड्स फ्लाई जो बर्ड्स हैं वो उड़ते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी तो नॉन ट्रांजेटिव वर्ब्स वही होते हैं जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता ना पड़ी क्लियर समझ में आ गया ट्रांजेटिव और नॉन ट्रांजेटिव क्या होता है अब आगे चलते हैं उसके बाद फाइनाइट में दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं मतलब ट्रांजेटिव और नॉन ट्रांजेटिव अब ऑक्जेलरी पे आते हैं ऑग्जलरी में क्या है देखो फ्लो चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो ऑक्जेलरी में आपको फिर से दो टाइप्स हैं ऑक्जलरी में फिर से कौन से दो टाइप्स थे एक तो था प्राइमरी और एक था मॉडल है ना प्राइमरी मॉडल था तो जो प्राइमरी होते हैं वो क्या होते हैं हेल्पिंग वर्ब जो आप यूज करते हो ना इज एम आर वॉज वर वो सारे क्या हैं आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्लियर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर जितने भी आपके इज एम आर वॉज वर है डू do, डज है वो सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं हैज एफ ठीक है has, तो दो तरह के हैं ऑक्सिलरी कौन सा कौन सा प्राइमरी और मॉडल तो प्राइमरी में देखो हेल्पिंग वर्ब तीन पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया फर्स्ट है टू बी बी के जितने भी फॉर्म है बी के फॉर्म में आते हैं इज एम आर वॉज वर् क्लियर उसके बाद है टू डू डू के करने की फॉर्म में जैसे डू डस डिट ठीक है उसके बाद आता है टू हैव जिसमें होता है हैज़ हैव हैट ठीक है तो ये सारे आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट होते हैं मतलब जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो कौन से होते हैं इज एम आर डू डिट हैज हैट यहाँ तक कोई डाउट क्लियर बिल्कुल ईजी चल रहा है इसमें आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा चलिए आगे चलते हैं मूव करते हैं आप इनको डीपली पढ़ेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं ये चीज़ भी हम देखेंगे क्योंकि बच्चे जो हैं वो कन्फ्यूजन ही वर्ब्स के टाइप्स में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अब तो ये बोला था कि फाइनाइट है अब ये बोला था ट्रांजेटिव है ठीक है ठीके? तो वो चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है आपका बेस अगर अच्छा होगा ना तो आगे आगे तो आप बहुत आपका जो लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा ठीक है अभी टाइम है देखो मान लीजिए जिनके एग्जाम्स अभी हैं ट्वेंटी फाइव को हैं उनके वो तो जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चंस को वो बेस्ट है लेकिन जिनका एग्जाम जो भी फॉर्म्स फिल हो रहे हैं तो इनके एग्जाम्स तो जनवरी या फिर जनवरी तो आपको टेंटेटिव डेट दी ही गई है तभी होंगे तो इसीलिए हम बहुत अच्छे से उसको कर सकते हैं ठीक है कवर हम इंग्लिश को अभी से करना स्टार्ट करें डेली हम पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा भी आधा घंटा एक घंटा दे रहे हैं तो बहुत इजीली मुझे नहीं लगता कि आपका जो स्कोर है वो ट्वेंटी में से सेवेंटीन या एटीन से कम आना चाहिए ठीक है मेरी तरफ से मैं इतना आपको कराऊंगी चलिए देखिए तो जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है हेल्पिंग वर्ब्स उसके अंदर सारी आ गई तो ये हमारा कंप्लीट होता है ठीक है उसके बाद है मॉडल मॉडल में क्या होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में जो आपके मॉडल्स हैं जैसे कैन कुड विल वुड शैल शुड मे माइट आउट टू नीड डेयर यूज टू ये सारे क्या हैं आपके मॉडल्स हैं ठीक है तो ये सारे आपके क्या है मॉडल्स हैं तो यहां पे कैन कोड विल वुड शेल शुड ये सारे आ जाएंगे इसके अंदर तो जो मॉडल्स हैं वो फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड है एक तो है मॉडल ऑक्जलरी वर्ब और एक आपको दिया होगा मार्जिनल ऑक्जलरी वर्ब्स, ठीक है जो मॉडल हैं ये देखो टाइप्स बहुत सारे एक के बाद एक आते जा रहे हैं इसीलिए मैं आपको आज रूल्स कम कराऊंगी इन पे ज़्यादा फोकस करूँगी कि आप क्या करना है आपको एक पूरी ए फोर साइज़ की शीट लेनी है उस पर सारा जो ये पूरा फ्लो चार्ट है ना कि कौन सा किसका फर्दर टाइप है वो सारा आपको बनाना है ठीक है चलिए तो मॉडल है मॉडल को फिर से दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं मॉडल ऑग्जलरी वर्ब होते हैं कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जिनको हम मार्जिनल ऑगजलरी वर्ब्स की फॉर्म में यूज़ करते हैं कैसे यूज़ करते हैं जो मॉडल ऑगजलरी वर्ब हैं उनको सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब की उससे यूज़ कर सकते हैं ठीक है जो आपको ध्यान से सुनो जो मॉडल ऑग्जलरी वर्ब है वो मेन वर्ब का, का कार्य नहीं करते ठीक है ना मेन वर्ब का, का कार्य नहीं करते सिर्फ कैसे यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में यूज़ होते हैं लेकिन जो मार्जिनल है ना मार्जिनल को हम मेन वर्ब में भी यूज़ कर सकते हैं और उसको एडजेक्टिव फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है कौन से कौन से होते हैं देखो जो मार्जिनल है उसके अंदर आते हैं यूज टू ठीक है यूज़ टू नीड डेयर ये ऐसे आपके मॉडल्स हैं जिनको हम एज अ मेन वर्ब भी और एज एन एडजेक्टिव भी यूज़ करते हैं ठीक है जो बाकी जितने भी बच गए ना आपके कैन हो गया कुड हो गया ठीक है उसके बाद शेल विल ये, ये सारे क्या है शेल विल वुड शुड आउट टू मस्ट ये सारे क्या है आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है ठीके? तो मॉडल वाला पार्ट हम कल करेंगे आज हमें क्या करना है जो प्राइमरी वाला पार्ट है ना थोड़ा सा कैमरा में प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आपको उस चीज से ध्यान नहीं रखना अगर कैमरा का को कोई दिक्कत नहीं है आपको सिर्फ आई आप थिंक आपको विजिबल है ठीक है देखो आप कैमरा भी ध्यान मत दो सिर्फ आप अपनी क्लास को देखो ठीक है मैं चाहे विजिबल हूँ चाहे नहीं हूँ आपको सिर्फ सुनना है और आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है सिर्फ आपको उस पर ध्यान देना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं आगे तो अभी हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मार्जिनल के बारे में पढ़ लिया है कि मॉडल्स के अंदर कौन से आते हैं और मार्जिनल के अंदर कौन से आते हैं कौन से आते हैं यूज टू नीड डेयर तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों का यूज हम पढ़ेंगे ठीक है मॉडल वाला जो पूरा है हम सारा कल कवर करेंगे कैन कुड माइट मे शुड आउट टू ये सब कहाँ यूज़ होते हैं ये कल कवर करेंगे फिलहाल हम देखते हैं प्राइमरी का ठीक है देखो प्राइमरी में क्या होता है आपके पास अभी हमने क्या पढ़े थे इज एम आर ये सारे पढ़े थे ना तो इसमें देखो इस कहाँ पे यूज़ होता है और ये आपके जैसे डू डेड ये कहाँ यूज़ होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार ठीक है सिर्फ हैज़ हैव के रूल है मेन तो ये तो सिर्फ आपको बताना है देखो यहाँ पे हमारा जो प्राइमरी ऑग्जलरी वाला पार्ट है ठीक है मैं इसको प्राइमरी ऑग्जलरी वर्ब्स इस तरीके से लिख रही हूँ तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं डू हैव और बी की फॉर्म में ठीक है तो यहाँ पे डू की फॉर्म में क्या आ जाता है डू do और डज है ना जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सेकेंड फॉर्म क्या होती है डिड ठीक है और थर्ड फॉर्म क्या होती है डन ठीक है थर्ड फॉर्म क्या होती है डन होती है तो यहाँ से जो डू है आई डू माई वर्क एग्जाम्पल देखो आई डू माई वर्क तो यहाँ पे डू मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है बताओ आई डू माई वर्क मैं अपना काम करता हूँ क्या डू के बिना आपका जो सेंटेंस है वो बता सकता है कि क्या हो रहा है आई डू माई वर्क डू क्या है यहाँ पे मेन वर्ब है ठीक है लेकिन अगर आप दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं आई डिड नॉट नो हिम ठीक है आई डिड नॉट नो हिम मैं उसको नहीं जानती थी तो इसमें क्या है जो डिड है और नो no है दो वर्ब्स हैं यहाँ पे नो क्या है नो आपकी मेन वर्ब है और जो डिड है वो क्या है सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आपका टेंस बताएगी ठीक है कि जो आप सेंटेंस बोल रहे हो वो आपका प्रेजेंट में है पास्ट में है फ्यूचर में है ठीक है ये सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब है जो आपकी एग्जिस्टेंस शो करेगी ठीक है तो आई डिड नॉट नो हिम तो यहाँ पे नो जो है आपका वो मेन वर्ब है और डिड आपका क्या है हेल्पिंग वर्ब है क्लियर नेक्स्ट चले आगे चलते हैं चलिए अब देखिए हैव पर आते हैं तो हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था डू हैव बी तो डू की तीनों फॉर्म हम कर चुके हैं डू डज डेड डन ठीक है किस तरीके से यूज़ होती है अब आते हैं हैज पे ठीक है हैज़ के इंपॉर्टेंट है एक दो रूल आपके हैज हैव हैड और हैड है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सेकंड और थर्ड में आपका क्या रहेगा सिर्फ हैड ही रहेगा क्लियर तो यहां से आप देखो इसके रूल्स देखो जो इंपॉर्टेंट रूल है फर्स्ट सबसे पहला आपका है जो हैव है हैव किसके लिए यूज़ होता है अधिकार के लिए ठीक है ना हैव किसके लिए यूज़ होगा अधिकार के लिए ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलती हूँ आई हैव अ कार ठीक है आई हैव अ कार तो यहाँ पे हैव बताइए प्राइम ये, ये आपका कौन सा वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हेल्पिंग होगा या फिर मेन वर्ब होगा आई हैव अ कार और कोई वर्ब है यहाँ पे नहीं है सिर्फ हैव है आपके पास यहाँ पे वर्ब हैव क्या है हैव आपका यहाँ पे मेन वर्ब है हैव जो है वो आपके पोजीशन को शो करता है पोजीशन क्या होता है अधिकार को शो करता है कि आई हैव अ कार मेरे पास क्या है कार है ठीक है तो हैव जो है यहाँ मेन वर्ब यूज होगा तो फर्स्ट तो आपका रूल यही हो गया सेकेंड है सेकेंड देखो हेल्पिंग वर्ब होता है परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ आई हैव आई हैव नॉट सीन हिम ठीक है मैंने उसको नहीं देखा आई हैव नॉट सीन हिम तो यहाँ पे हैव क्या हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे सीन क्या है आपका यहाँ पे सीन आपका मेन वर्ब है ठीक है तो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है किस में परफेक्ट में ठीक है और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में हम हैव को यूज़ करते हैं ये हो गया सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग आपकी हैव के बारे में नेक्स्ट देखो थर्ड है थर्ड आपका क्या रूल है हैव के साथ अगर हम इन्फिनेटिव यूज़ कर लें इन्फिनेटिव को हम डीपली पढ़ेंगे लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझो इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव क्या होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ठीक है तो हैव और इन्फिनेटिव आ जाए तो वो आपका क्या दिखाता है वो आपका फोर्स्ड एक्शन दिखाता है फोर्स एक्शन दबाव में किए जाने वाले कार्य को ये दिखाएगा ठीक है ना दर्शाने के लिए हम हैव प्लस इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं जैसे कि एग्जाम्पल है आई हैव टू वर्क हार्ड ठीक है कि मुझे मेहनत करनी ही पड़ेगी आई हैव टू वर्क हार्ड ठीक है जोर डाल रहा है उस चीज पे ठीक है तो उसके लिए क्या होगा दबाव डालने के लिए फोर्स एक्शन के लिए हम हैव के साथ क्या यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव हैव प्लस टू प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ठीक है आई हैव टू वर्क हार्ड क्लियर या फिर देखो शी हैड टू लीव हर जॉब उसको अपनी जो जॉब जो है वो छोड़नी ही पड़ेगी शी हैड टू लीव हर जॉब ठीक है मतलब किसी चीज़ पे दबाव डालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे हैव प्लस इन्फिनेटिव ये हो गया आपका थर्ड रूल फोर्थ रूल देखो फोर्थ रूल है आपका जैसे फॉर एग्जाम्पल हैव के किसी भी फॉर्म के बाद हैड जो मेन वर्ब की तरह यूज हो सकता है ठीक है आप लिखोगे फोर्थ आपका रूल हैव के हैव के किसी भी किसी भी फॉर्म के बाद हैड हैड क्या है मेन वर्ब यूज हो सकता है ठीक है मेन वर्ब यूज हो सकता है ठीक है यूज़ हो सकता है ठीक है हैव के बाद जो आपका हैड वो मेन यूज हो सकता है जैसे फॉर एग्जाम्पल ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट ठीक है तो यहां पे हैज भी लगा है और आपके पास हैड भी लगा ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट उसने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है ठीक है ही हैज़ हैड इज़ ब्रेकफास्ट ठीक है तो यहाँ पर आपका जो हैव है उसकी कोई भी फॉर्म हैज़ हमने ले ली तो उसके साथ जो हैड है यहाँ पे हैड का मतलब है कि ले चुका वो वो ब्रेकफास्ट तो ये उसका मेन वर्ब को शो कर रहा है ठीक है तो फोर्थ आपका यही रूल है कि हैव के किसी भी फॉर्म के बाद हैड है जो मेन वर्ब यूज़ हो सकता है एग्जाम्पल ही हैज़ हैड इज़ ब्रेकफास्ट क्लियर तो ये हैव के कुछ रूल्स थे अब आते हैं हमारी बी की फॉर्म ठीक है तीन फॉर्म्स थी कौन सी कौन सी डू वाली हैव वाली हम कर चुके हैं नाव बी बी की कौन सी कौन सी है बी में आता है बी इज एम आर जो कि आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेकेंड में क्या आ जाएगा वॉज वर्क जो आपका क्या है सेकेंड फॉर्म है थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा बीन ठीक है थर्ड में क्या आ जाएगा बीन ठीक है तो अब आपको पता है फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ करती हूँ ये आपको सारे पता है इसका डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है आई एम अ डॉक्टर ठीक है आई एम अ डॉक्टर तो यहाँ पे एम क्या है हेल्पिंग योर मेन वर्ब एग्जिस्टेंस वो मेरी सोशल स्टेट को बता रही है कि मैं क्या हूँ डॉक्टर हूँ सोशल स्टेट को बता रही है वो मेरे तो ये मेन वर्ब है कल मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है डूइंग वर्ड होता है जो एक्शन को बताता है फीलिंग को बताता है स्टेट को बताता है आपके इमोशंस को बताता है स्टेट चाहे कैसे भी हो मेंटल सोशल या फिर इमोशनल इमोशनल में जैसे आई मिस यू आई लव यू सोशल में जैसे आई एम ए टीचर आई एम ए डॉक्टर ठीक है इस तरीके से तो एम है यहाँ पे मेन वर्ब है ठीक है या फिर मैं दूसरा एग्जाम्पल लेती हूँ ही वॉज वर्किंग हार्ड ही वॉज वर्किंग हार्ड तो यहाँ पे जो वर्किंग है वो क्या है आपका मेन वर्ब है और जो आपका हेल्पिंग वर्ब है ठीक है वो क्या है वोज वोज क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और वर्किंग क्या है आपका मेन वर्ब है क्लियर तो ये हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है उनको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ठीक है आप यहाँ पे लिख सकते हो जो आपका प्राइमरी ऑग्जलरी वर्ब है प्राइमरी ऑग्जलरी वर्ब को आप एज अ मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग कर सकते हो जैसे अभी मैंने आपको हैड का करके दिखाया था ठीक है एम का करके दिखाया था इस तरीके से समझ में आ गया तो ये वाला पोर्शन हमारा खत्म होता है प्राइमरी वाला पोर्शन फ्लो चार्ट में मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना हमने आज कवर किया है ये देखिए आज हमने ये पोर्शन पूरा कवर कर लिया ये पोर्शन और यहाँ से हमने प्राइमरी कवर किया सिर्फ एक हमारा मॉडल रहता है जो काफ़ी बड़ा है क्योंकि बहुत सारे मॉडल्स है सबके जो रूल्स आते हैं आपके एग्जाम में वो कराने हैं तो कल हमारा मॉडल खत्म हो जाएगा और परसों हमारा नॉन इन्फिनेट नॉन फाइनाइट वाला पार्ट कवर हो जाएगा ठीक है तो परसों ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो कल हम करेंगे मॉडल्स ठीक है आज के लिए मैं इतना ही करा रही हूँ थोड़ा है या ज़्यादा है वो तो आपको ही पता होगा वैसे सिर्फ आज मेनली टाइप्स पे ही हमने फोकस किया है ताकि आपको वो जो वर्ब है उसका बेस क्लियर हो जाए कि किस तरीके से पढ़ना है ठीक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ठीक है आई डोंट थिंक सो कोई डाउट है फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है मैं कोशिश करती हूँ कि सभी के रिप्लाई करती हूँ ठीक है ऐसा होता नहीं है कि कोई मेरी नज़रों के सामने से कमेंट जाए और मैं रिप्लाई ना करूँ तो सबके मैं रिप्लाई करती हूँ तो कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कहीं पर भी तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही अब हम कल मिलते हैं अपनी सुबह वो कैब की क्लास में अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर सकते हो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे